उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे, हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है, आपने कभी। राहुल गांधी ने राजपूत समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राजपूत लोग पहले जमीन हड़पने का काम करते थे। देखिए, समाज को हमेशा से उन्होंने विरोधाभास बयान देते रहे हैं और समाज को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि एक समाज को आप अपमानित करेंगे और दूसरे समाज का वोट मांगेंगे, ये कब तक खेल खेलेंगे। आज तक सनातन परंपराओं को चोट करते थे, अल्पसंख्यक का वोट मांगते थे, अब आप उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब हर समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने हर समय देश के लोगों को आपके कान सिर झुकाने का ही मौका मिला है, आपने कभी भी विदेश गए तो भारत के लोगों को गाली दिया, भारत में रहे तो जिस राज्य में रहे तो दूसरे राज्य को गाली दिया, ये कब तक चलेगा। राहुल गांधी जी, आपको ये सबक सिखाएंगे, हर समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में राजपूत समाज भी आपको इस अपमान का बदला लेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी टेंशन में चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपनी मनोवृत्ति बता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लंबे चौड़े सोचे थे कि सरकार बना लेंगे, वो सपना पूरा हुआ नहीं। उनको मालूम है कि जिस दिन मोदी की फिर सरकार बनेगी, जितने बेल वाले लोग हैं वो फिर जेल जाएंगे, तो उनको मालूम है कि जिस दिन 4 जून के बाद उनको कहाँ जाना है का मौका मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो घबराहट है, ये जो बेचैनी और ये जो डर है, इसके कारण ये बरबोलापन कर रहा है। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उनकी जो बहू है वो चक्की पीसते नजर आई है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है संस्कारी बहू। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कई तस्वीर देखे हैं, मैं उन तस्वीरों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि संस्कार है तो अच्छा है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बिहार के लोग, लेकिन कहाँ गया वो संस्कार जब राम का अपमान हो रहा था, कहाँ गया वो संस्कार जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था। उस समय मौन बैठे हुए थे, उस समय कोई चिंता नहीं हो रही थी, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे, और जब वोट घिसकता हुआ नजर आया है तो चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसने से, वो चक्की गांधी जी ने भी पीसा था और कहीं ना कहीं चरखा चलाया था, तो उन्होंने समाज को आगे लेके गए थे, आप केवल परिवार को आगे लेके जा रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी कितने मर्यादा का अपने उल्लंघन किए वो तो मालूम है, किसी मर्यादा को उन्होंने छोड़ा है न, परिवार के मर्यादा को न समाज के मर्यादा को, उन्होंने तो वोट बैंक की खातिर किसी को नहीं छोड़ा और आज परिवार के अलावा उन्होंने किसी को देखा नहीं। तो लालू यादव जी, आपकी मर्यादा का सवाल मत उठाइए, आप खुद मर्यादा तोड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कब तक मोदी जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे।